सो हेलो गाइस, किस तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अब ये वाला ब्लॉग की तरह नहीं लग रहा होगा कि, लेकिन यार हाँ, ये वाला ब्लॉग ही है, क्योंकि देखो मेरा जो फ़ोन है ना भैया, वो पूरा स्विच ऑफ हो चुका है और लाइन भी नहीं है, तो अपने फ़ोन से तो ब्लॉग बना नहीं सकता, इसलिए पोको X3 से बना रहे हैं और इसमें भैया अल्ट्रा वाइड है ही नहीं, इसलिए इस तरह से हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अब अल्ट्रा वाइड नहीं है, बस ONX है, तो ONX में पता नहीं बैक कैमरे से कैसे आएगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा भी इस फ़ोन का ख़राब है, मैं इसे कैसे ब्लॉग करूँगा पता नहीं, लेकिन हाँ आज आप लोग को ब्लॉग इसी फ़ोन से देखने को मिलेगा, पता नहीं किस तरह से, बट यार देखना, आप लोग को अच्छा लगे तो बस यार लाइक कर देना। बाकी देखो मैं आप लोग को बता दूँ, आज एक खुशखबरी मिला मस्त वाला। अब देखो आप लोगों को पता है चैनल का क्या हालत चल रहा है भाई साहब, चैनल से पैसे तो आने वाला है नहीं यूट्यूब से, तो पापा को तो विदेश जाना पड़ेगा, पैसा उसे का बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए तो विदेश जाना चाहते थे, सऊदी अरेबिया का लगाया था, वीसा आ चुका था बट टिकट नहीं मिला था, फाइनली यार टिकट आ चुका है और पापा जो है ना कल यार विदेश चले जाएंगे, बट घर में सब कुछ पापा ही देखने वाले हैं, जो चीज़ पापा कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते, इसलिए जो भी काम बाकी वगैरह सब है आज करेंगे पापा, क्योंकि जब जाएंगे तो 2-3 साल तक शायद से उधर ही रहेंगे, तो घर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कुछ कर नहीं सकते ना, इसलिए जितने भी प्रॉब्लम वगैरह सब है घर में पहले आज ठीक करेंगे। तो ब्लॉग बेसिकली इसी के ऊपर होने वाला, बस देखना आप लोग, मजा आएगा, जो जो आज होगा आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो चलो भैया जी, फोन अपना हाथ में लेते हैं, और घर में कुछ लाइट या पंखा का प्रॉब्लम था, कुछ तार वगैरह सब में, तो पापा वही ठीक कर रहे हैं, पापा भैया इलेक्ट्रीशियन हैं, विदेश में भी इलेक्ट्रिक का ही काम करेंगे, फिलहाल इधर काम कर रहे हैं अभी घर में, तो दिखाते हैं आप लोगों को, देखो पापा डायरेक्ट मीटर में ही तार जोड़ दे रहे हैं, जिससे कि खराब होने का संभावना कम रहे। फिलहाल तो यार जब तक ना मैं यहाँ पर खाना खा लेता हूँ, क्योंकि भूख लग चुका था काफ़ी ज़्यादा ही, तो खा लेते भाई साहब। इस फ़ोन में देख सकते हो आधा ही दिख रहा है, इधर भाई साहब बकरी भी मेरा देख सकते हो, अरे सब्जी खा रही है भाई साहब। इतना जो तूफान आया था कल और बारिश आया था, उसका एक और असर हुआ, आम का पेड़ भाई साहब इतना ज़्यादा हिल रहा था ना, बहुत ज़्यादा आम गिरा हुआ है, तो देखो जरा सा ये भैया सबसे मीठा आम अब हम खाएंगे, और बाकी जो आम था देख सकते हो भाई साहब छिलका ही छिलका, क्योंकि हमने अचार बनाया हुआ है, देखो नहीं मम्मी और दादी ने बनाया अचार, और इधर है छोटा छोटा अचार, और ये है हमारे लिए खाने के लिए कतई बम्बैया आम। तो भैया जी सबसे पहले धोते हैं आम को, फिर हाथ से फोड़ कर खाएंगे, तभी ना मजा आएगा। नीचे लेकर आया आम, इस बकरी का फिर से चालू हो गया भाई साहब, कच्चा आम है नहीं होगा इससे, इससे इसका दांत टूट जाएगा, लेकिन आम नहीं खा पाएगा ये, इसको चलो हम खाते छीलते सबसे पहले इस सितुए से। भाई साहब हम इधर आम छील रहे और बकरी देख तो खाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको छिलका दे देते, छिलका ये खा जाएगा भाई साहब, मजे करो तुम भी, मेरे से तो जल्दी जल्दी हो नहीं रहा था, चलो यार हम इसको, इसलिए मैंने मम्मी को दे दिया, देख सकते हो मम्मी इतना जल्दी जल्दी कर रही है, पूरा छिलका हटा दिए आम के ऊपर से, अब खाने में मजा आएगा। देख तो भाई पूरा टकला हो चुका है हमारा आम, अभी रेडी है खाने के लिए, चलो ले लेते हैं, चलते खाने, अब मजे करते भाई साहब करते ही। भाई साहब इतना मस्त टेस्ट ना भैया, बम्बैया आम है कहते हैं, भाई का तो कहते अलग ही शौक है, चीनी के साथ खाना है आम, तो ये जो है ये एक टुकड़ा भाई के लिए ले जा रहा हूँ, वो खाएगा भैया चीनी के साथ कहते हुआ। 346 minutes later. So guys, हम लोग आए थे दूसरे गांव में फोन चार्ज करने के लिए, देखो तो इसने भी फोन चार्ज लगाया था, लेकिन इसका फोन चार्ज हुआ ही नहीं, मेरा 100% पूरा, मेरा इसके साथ प्रैंक हो गया कहते ही, हमारा 100% फुल चार्ज हो चुका है, इस वाले गांव में आए थे चार्ज लगाने के लिए तारा बड़ी, क्योंकि हमारा गाँव है नल्ला, हमारे गाँव में लाइन है ही नहीं, अभी फिलहाल आ चुका होगा, हमारा फुल चार्ज हो चुका है, कोई मतलब नहीं, अभी फिलहाल चलते हैं और वीडियो वगैरह सब बनाते भाई साहब, आप लोग ब्लॉग को लाइक करना भाई। भाई साहब चल रहे हम अपने गांव एकदम से, यहां पर देख सकते हो और साथ में देखो क्या मिल गया, वाह भाई साहब, और इस साइड से कुछ दिख नहीं रहा हुआ, हम काला नहीं है भाई साहब, ऊपर धूप है, देख सकते हो कहते फ्लैश लाइट मारेगा वो भाई साहब कैमरे पर ही करते। चलो अभी चलते तरबूज वगैरह सब देख सकते हो बाजार में, हम बाजार भी आएंगे या फिर नहीं आएंगे पता चलेगा बाद में, देखते हैं अगले एपिसोड में। चलो भाई साहब चलते हैं फिलहाल घर, तो भाई साहब देखो हम कैसे ले जा रहे हैं साइकिल, हम है कभी गली बॉय, हम रहते हैं गली में, इसलिए लाइक करो गली में।
अरे चक्का नचना बंद कर दिया अपने घर। 7 hours later. अभी भाई साहब हमारी भी घर लेन आ चुका है और हमारे फोन से भी ब्लॉग हो रहा है तो अच्छा लगेगा। फिलहाल भाई साहब दिखाता हूँ आप लोगों को भी क्या सीन हो गया है। देखो जरा सा हमने ला लिया है चूरा और आम एकदम मस्त। अब इसको छिलका हटाते हैं, चीरा और आम खाते हैं। छिलका बहुत पतला है इसका, हटा कर पूरा दिखाते रुक। भाई साहब ये रहा हमारा आम देख सकते हो और हम अभी आम और चूरा मस्त खाते हैं। आप लोग भी जाओ खा लो खाना भाई साहब। ऊपर जैसे आता भाई साहब फिर से लाइन कट चुका है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन खाना बन रहा है। चलो देख दिखाता हूँ। मुर्गा बना है आज क्योंकि पापा कल जा रहे हैं ना, इसलिए मुर्गा ला दिया, क्योंकि जब पापा चले जाएंगे तो ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, तो मुर्गा लाया और मुरी के साथ हम खा रहे हैं मस्त। अभी भात भी रेडी हो चुका है तो भात के साथ यहाँ पर सबका देखे तो परस दिया है भात, और अभी खाते भाई साहब मुर्गा और भात मस्त एकदम। देख तो सबका प्लेट लग चुका है, भात सबके प्लेट में ऑलरेडी डाला हुआ है, अभी मुर्गा डालते हैं और सब लोग एक साथ खाते भाई साहब मस्त एकदम स्वादिष्ट भाई। सर देख सकते हो मेरा प्लेट और भाई का ये, मैंने यार इस बार थोड़ा ही लिया है बस, क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भर गया था मुरही और मुर्गा खाने से ही, तो भात मैंने बस थोड़ा सा ही लिया। टेस्ट यार अमेजिंग है, कत्ते हम टंगरी खा रहे। भाई साहब आप लोग भी खाना खाते खाते देख रहे हो क्या वीडियो? नहीं क्या यार खाओ ना भाई साहब। फाइनली खाना पीना हो गया, पेट इतना ज्यादा फूल गया भाई साहब क्या बोलूं, मुझे दही लिटरली खा लिया। इतना ज्यादा खाना पीना हो गया ना क्या बोलूं, पेट तो फूल गया ही है, नहीं दिखा सकता, शर्म आता है थोड़ा सा भाई साहब। अभी ना आराम से सोते हैं और आप लोग यार लाइक कर देना। चलो फाइनली कल मिलते हैं।